दोस्तों ये है Realme Narzo 50 जिसकी आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं और देखते हैं ये स्मार्टफोन कैसा रहता है आपके लिए। तो बॉक्स पैकिंग पर नजर डालें तो ब्लू कलर का ये बॉक्स है जिस पर आपको कहीं भी मोबाइल का डिजाइन देखने को नहीं मिलेगा। ऊपर नंबर वन क्वालिटी स्मार्टफोन ब्रांड मेंशन किया हुआ है और बैक साइड में हेडलाइन फीचर्स दिए गए हैं। MediaTek Helio Z96 का आपको इसमें एक गेमिंग प्रोसेसर मिलता है। 120 हर्ट्ज का आपको इसमें अल्ट्रा स्मूथ डिस्प्ले दिया गया है। 33 वाट का फास्ट चार्जर और 5000 एमएच की एक मैसिव बैटरी आपको इसमें मिल जाती है। बॉक्स पर प्राइस देखें तो 15,999 रुपए आपको बॉक्स पर प्राइस लिखी हुई मिलती है, लेकिन दोस्तों आपको ये मात्र 13,000 रुपए के अंदर मिल जाता है। तो दोस्तों अब हम जल्दी से इसे अनबॉक्स कर लेते हैं और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि ऐसी वीडियोस आपके लिए मैं यहां पर रेगुलर लाता रहता हूं। तो यहां पर हम एक बार बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। तो जैसे ही आप बॉक्स को ओपन करोगे तो सबसे ऊपर आपको एक मिनी बॉक्स नजर आता है। फील द पावर और Narzo की ब्रांडिंग अंदर देखते हैं। अरे वाह, यहाँ पर आपको फोन को सेफ्टी देने के लिए एक फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट सिलिकन का कवर दिया गया है। इसके अलावा आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं Realme की ओर से, क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल को नजर आता है स्मार्टफोन। इसे भी फिलहाल रख लेते हैं साइड में और अंदर देखें तो ये रहा 33 वोल्ट का एक फास्ट चार्जर। व्हाइट कलर का है और इस पर आउटपुट रेटिंग आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं। 5 वोल्ट 2 एम्पियर, 11 वोल्ट 3 एम्पियर मैक्सिमम आउटपुट रेटिंग इस चार्जर से आपको मिलती है। इसके बाद आपको एक व्हाइट कलर की टाइप सी यूएसबी केबल मिल जाती है। केबल की लेंथ और क्वालिटी मुझे काफी अच्छी लगी। और अब आते हैं स्मार्टफोन पर। सबसे पहले रैपर से इस फोन को हम आजाद कर लेते हैं। तो वाओ, इन हैंड फील ये स्मार्टफोन काफी ज्यादा स्लिम है, लाइट वेट है, प्लस साइज भी इसका काफी कंफर्टेबल आपको मिल जाता है। इन हैंड फील ये हाथ में अच्छे से कैरी हो रहा है तो अच्छा साइज आपको इसका दिया गया है। इसके अलावा स्क्रैच गार्ड भी इस पर पहले से लगा हुआ मिल जाता है। पंच होल डिस्प्ले आपको मिलती है। कॉर्नर में आपको यहाँ पर कैमरा दिया गया है। मोबाइल का जो बैक पैनल है वो काफी यूनिक सा डिजाइन यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा। आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर रफ फिनिश है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ग्लोसी फिनिशिंग आपको यहाँ पर दी गई है जिस पर लाइट रिफ्लेक्शन भी आपको देखने को मिलता है। हालांकि कवर आप हमेशा लगा के रखें, स्क्रैचेस आ सकते हैं। नीचे Narzo की ब्रांडिंग और कैमरास मॉड्यूल पे नजर डालें तो यहाँ पर आपको चार लेंस नजर आ रहे होंगे जिनमें कैमरा आपको तीन ही मिलते हैं, जिसमें मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल का आपको इसमें माइक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा विद एलईडी फ्लैशलाइट दिया गया है। अगर अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी मिल जाता तो और भी बढ़िया रहता है। इसके अलावा साइड माउंटेन रियर फिंगरप्रिंट सेंसर आपको इसमें मिलता है, यानी कि आपको यहाँ पर पावर ऑन की के साथ साथ फिंगरप्रिंट सेंसर यही मिल जाता है। कॉर्नर देख सकते हैं यहाँ पर काफी थिक लग रहा है। ऊपर की साइड देखें तो यहाँ आपको कोई सेकेंडरी माइक नॉइस कैंसिलेशन के लिए नहीं दिया गया है, देना चाहिए था वैसे। लेफ्ट साइड में मिलती है सिम ट्रे जिसे ओपन करना तो बनता है, और ओपन करके आपको दिखा देते हैं दोस्तों। तो यहाँ आपको, अरे कहाँ गई, तो ये देखिए दोस्तों इसमें आप 2 सिम कार्ड और 1 मेमोरी कार्ड तीनों एक साथ लगा सकते हैं। जस्ट नीचे आपको वॉल्यूम रॉकर्स मिल जाते हैं और बॉटम में आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर ग्रिल दिया गया है। इसके अलावा मोबाइल को अब हम बूट कर लेते हैं और देखते हैं इसकी क्लैरिटी कैसी है। 164.1 mm इसकी हाइट है, 75.5 mm विड्थ है, 8.5 mm की थिकनेस और 194 ग्राम इसका वेट है। अंदर 5000 एमएच की बैटरी लगी हुई है। 33 वोल्ट का फास्ट चार्जर दिया गया है जो कि लगभग 1 घंटा से थोड़ा सा ऊपर का टाइम लेगा इसे फुल करने में। इसके बाद हम इसे जल्दी से बूट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो भी पूछा जा रहा है हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। सारे टर्म एंड कंडीशन को हम फॉलो कर लेते हैं। अगर आप फिंगरप्रिंट सेंसर और पासवर्ड पहले से सेट करना चाहते हैं तो यहीं से आप सेट भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर हम फिंगर लगा लेते हैं एक बार, तो कुछ इस तरह से इसका फिंगरप्रिंट सेंसर इस पर लगेगा। तो अभी ये हमारे थंब को रीड कर रहा है पूरी अच्छी तरह से, तो यहाँ पर हम लगाएं और छोड़ें जिससे ये हमारे पूरे थंब को अच्छे से रीड कर ले और अच्छे से वर्क भी कर ले। तो ये हो गया है, अब हम फेस अनलॉक बाद में लगाएंगे, सीधे आगे बढ़ जाते हैं। तो ये हमारा स्वागत कर लिया है। Realme UI मिलता है इस पर आपको। तो आप यहाँ पर एज बेजल्स देख सकते हैं। फोन ऑन होते ही सबसे पहले नजर आपकी एज और बेजल्स पर ही जाएगी। तो कॉर्नर से तो बहुत ही ज्यादा थिक आपको बेजल्स मिल जाते हैं, लेकिन नीचे जो चिन्ह है वो थोड़े से यहाँ पर ज्यादा नजर आएंगे। नेविगेशन की जस्ट ऊपर आपको दिए गए हैं। इसके अलावा मोबाइल हमारा बूट हो गया है और इसकी ब्राइटनेस अभी आधी है। कम करके देखते हैं तो बिल्कुल डार्क हो जाती है स्क्रीन जब इसके आप ब्राइटनेस को कम करोगे,
तो आधे पे आप देखते हैं तो ये देखिए हाफ में कुछ ऐसी दिखेगी, और फुल करके देखें तो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट डिस्प्ले आपको मिल जाती है। आउटडोर भी अगर आप यूज़ करते हो तो 480 निट्स की ब्राइटनेस आपको इसमें दी गई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा होती है नॉर्मली स्मार्टफोन में। इसके अलावा आइकन आपको सभी रियलमी के स्मार्टफोन जैसे ही यहाँ पर नज़र आएंगे, स्क्रॉल अप करते ही आपको यहाँ पर सारे के सारे एप्लीकेशन नज़र आते हैं। प्री इंस्टॉल ऐप भी यहाँ पर दिए गए हैं, हालांकि कुछ को तो आप अनइंस्टॉल भी कर सकते हो। टच काफ़ी स्मूथ और फास्ट आपको मिल जाता है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको इसमें दिया गया है, मोबाइल गेमिंग के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और पंच होल डिस्प्ले देख सकते हैं, यहाँ पर आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। चलिए बात करते हैं इसके डिस्प्ले साइज की, तो 6.6 इंच की आपको इसमें फुल HD प्लस IPS LCD दी गई है, जिसका एस्पेक्ट रेशो 20:9, स्क्रीन रेजुलेशन 1080x2400 और पिक्सल डेंसिटी 400 PPI की दी गई है। इसके अलावा आपको इसमें स्क्रीन टू बॉडी रेशो 90.8% का मिल जाता है। अब हम इसकी सेटिंग को ओपन करेंगे, तो जैसे ही आप सेटिंग को ओपन करते हो और अंदर का इंटरफेस कुछ ऐसा आपके सामने खुलता है, जहां आपको सारे ऑप्शन नजर आएंगे, तो यहां पर हमें जाना है अबाउट फोन सेक्शन पर। तो नीचे है अबाउट फोन सेक्शन, इसे ओपन करें तो रियलमी UI वर्जन 2.0 एंड्रॉयड वर्जन आपको इसमें 11 दिया गया है। 2.05 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर और चिपसेट MediaTek Helio Z96 का दिया गया है। 4GB रैम आपको मिल जाती है LPDDR4X की, 64GB का इंटरनल स्टोरेज जिसमें से यूज के लिए लगभग 47GB फोन में अवेलेबल है, और एक्सपेंडेबल मेमोरी 256GB तक आप बढ़ा सकते हैं। स्टोरेज टाइप आपको इसमें UFS 2.1 का दिया गया है, 12 nm का फैब्रिकेशन और ग्राफिक माली Z57 के आपको इसमें मिलते हैं। इसमें हमने फिंगरप्रिंट सेंसर सेट किया हुआ है, तो यहाँ पर अभी हम डिवाइस देखें तो लॉक है, जैसे ही यहाँ पर थंब को टच करते हैं अनलॉक हो जाता है। अगेन ट्राई करते हैं तो ये देखिए लॉक है और ये बिल्कुल अनलॉक हो गया, तो काफ़ी फास्ट वर्क कर रहा है इसका। ये देखिए अभी वर्क नहीं करेगा और थंब को लगाएं, बिल्कुल फास्ट मिल जाता है आपको इसका फिंगरप्रिंट सेंसर। दोस्तों इसका कैमरा भी ओपन करके देख लेते हैं, जो भी परमिशन मांगे यहाँ पर अलाउ कर देते हैं। वाओ कलरफुल है कैमरा, देखिए यहाँ पर कलर्स काफ़ी अच्छे लगे मुझे इसके कैमरा के, यहाँ पर आप देख सकते हैं। जूमिंग देख लेते हैं तो अरे वाह, 10 गुना जूम कर सकते हैं इसकी आप रियर कैमरा से, जो 50 मेगापिक्सल का कैमरा है। और 50 मेगापिक्सल का कैमरा को इनेबल हम कैसे करें, तो यहाँ पर आपको अलग से यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। अब यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का कैमरा इनेबल हो गया है, लेकिन जूम वर्क नहीं करेगा जब ये इनेबल रहेगा। पोर्ट्रेट का ऑप्शन आपको मिल जाता है। वीडियो मोड देखें तो आप इसमें 1080p 720p में वीडियो शूट कर सकते हैं, यानी कि फुल HD प्लस वीडियो आप इसमें शूट कर सकते हैं। डुअल व्यू वीडियो आपको ऑप्शन मिल जाता है, देखिए फ्रंट कैमरा और रियर कैमरा दोनों एक साथ इनेबल हो गए हैं, तो ये फीचर्स मुझे काफी अच्छा लगा। और इसके अलावा स्लो मोशन में वीडियो शूट करते हैं या फिर करते हैं यूज टाइम लैप्स का, तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। मूवी का ऑप्शन, एक्सपर्ट मोड, पैनोरमा मोड, टेक्स्ट स्कैनर और अल्ट्रा माइक्रो मोड यहाँ पर दिया गया है, तो काफी सारे फीचर्स इसके कैमरा में आपको मिल जाते हैं। फ्रंट सेल्फी कैमरा देखते हैं तो वाओ, बहुत ही ज़्यादा कलरफुल और ब्राइट कैमरा है इसका सेल्फी, लेकिन जूम नहीं कर सकते, काफ़ी क्लीन है इसका सेल्फी कैमरा, आपको ज़रूर पसंद आएगा। एक सेल्फी लेके आपको दिखा देते हैं, तो ये देखिए दोस्तों बहुत ही क्लीन सेल्फी आपको इसकी मिल जाती है। सेल्फी कैमरा भी आपको इसका ज़रूर पसंद आएगा। इसके अलावा आपको ये 13,000 रुपये के अंदर मिल जाता है। दोस्तों अगर आपको गेमिंग का शौक है, गेमिंग करते हो, तो इसमें आपको एक दमदार प्रोसेसर दिया गया है MediaTek Helio Z96 का, 50 मेगापिक्सल का कैमरा, और सेल्फी यूजर हो, आपको सेल्फी लेना भी पसंद है, तो सेल्फी कैमरा भी आपको इसमें तगड़ा दिया गया है। इसके अलावा अल्ट्रा स्मूथ डिस्प्ले मिल जाती है, टच काफ़ी अच्छा है, साइज भी इसका काफ़ी अच्छा बनाया गया है। ये आपको दो कलर वेरिएंट में मिलेगा, स्पीड ब्लू कलर और स्पीड ब्लैक कलर, जो भी कलर वेरिएंट आपको पसंद आता है आप परचेस कर सकते हो। तो दोस्तों आपको ये मोबाइल कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी के जरूर कुछ ना कुछ काम आएगी, जिससे आपको मोबाइल परचेस करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अनबॉक्सिंग के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।